मैनपुरी पुलिस को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी है। मैनपुरी पुलिस ने गैर प्रांत की तस्करी के लिए लाई जा रही अंग्रेजी शराब का जखीरा पकड़ा। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब का जखीरा विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से गैर प्रांत से लाया जा रहा था। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी अशोक कुमार राय ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। जैसा आप जानते हैं, चुनाव के दृष्टिगत हमारी जनपद की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान बैरियर्स लगाकर हो रहा है। साथ में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड और साथ में एसएसटी की टीमें दिन रात काम कर रही हैं। इसी क्रम में थाना एलआईयू और सर्विलांस की हमारी जो टीम थी, ये ऐसी गोपनीय सूचना के आधार पर कुछ नंबर जो सर्विलांस पर थे, उस आधार पर ये एक गुजरात नंबर की ट्रक जो कि अंग्रेजी शराब ये लाद करके जनपद सीमा में प्रवेश कर रही थी। ऐसी संभावना थी कि ये बिक्री के लिए चुनावों में प्रभावित करने के लिए थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।